वेलकम बैक टू मालवीय कैट सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए नाइन पार्ट हम क्रिएट करने वाले हैं एडजस्टिंग नली टूल का, जो आखिरी पार्ट होगा हमारा। इसके बाद हम असेंबली क्रिएट करेंगे। तो प्रीवियस जो वीडियो थे हमारे, जो ट्यूटोरियल हमने क्रिएट किए थे, उनमें जो पार्ट हमने डिज़ाइन किया था नल टूल का, उसके अंदर ये फिट होने वाली पिन है जो कार्बन स्टील, हमने इसका मटेरियल अप्लाई किया है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका ड्राइंग दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में ये ड्राइंग सेट किया है, जिसमें देखिए इसका मेन डायमीटर 8 mm, फिर जो ग्रूव यहाँ पे अप्लाई किया है उसका डायमीटर 7 mm और इसका डिस्टेंस 1 mm। फिर यहाँ पे इस ग्रूव से यहाँ कॉलर का जो डिस्टेंस है वो 30 mm अप्लाई किया है और कॉलर का डायमीटर 10 mm और इसकी विड्थ रहेगी 1.5 mm। आपको ये ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करने के बाद सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे और मिड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस तरह से स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे तो इसकी विड्थ रहेगी 1.5 mm, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस 30 mm, इस तरह से इसे ड्रैग कर देना है, फिर यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 1 mm और यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 1 mm। अब यहाँ पर हम इसके डायमीटर अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉलर का डायमीटर हमारे ड्राइंग के हिसाब से 10 mm हमने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर 10 mm डायमीटर अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर जो मेन डायमीटर है उसकी साइज रहेगी 8 mm, फिर यहाँ पर इस ग्रूव का डायमीटर रहेगा 7 mm। अब हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोलिनियर कर देना है। तो देखिए हमारा स्केच फुल्ली कंस्ट्रेन और फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको फीचर में जाना है और रिवॉल्व बॉस बेस अप्लाई करना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पर चैम्फर में जाएंगे, चैम्फर में हम यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 0.2 by 45, एंगल इसका रहेगा 45 डिग्री। यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे तो हमें इसमें इसका मटेरियल अप्लाई करना है कार्बन स्टील, तो यहाँ पे मेटल में जाके स्टील को सिलेक्ट करना है। स्टील को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कार्बन स्टील से इस पर अप्लाई कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये पिन क्रिएट कर दी है, इसे भी सेव कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है उसमें इस पार्ट को भी सेव कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट रहेगा 9 9, पार्ट 9, इसे हम पार्ट 9 के नाम से सेव कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये 9 पार्ट भी क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।